नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे बलेनो अल्फ़ा यानी टॉप मॉडल का। इसमें और भी मॉडल अवेलेबल हैं, जैसा कि सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फ़ा। अल्फ़ा इसका टॉप मॉडल है। ये गाड़ी डीजल, पेट्रोल और ऑटोमेटिक सीवीटी गियरबॉक्स में भी अवेलेबल है। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये अल्फ़ा मॉडल यानी टॉप मॉडल गाड़ी है। फुल रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, क्या क्या फीचर्स है जानेंगे। तो ये फ्रंट लुक है गाड़ी की। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं क्रोम इंसर्ट के साथ। साथ में इंडिकेटर काफ़ी अच्छी लुक देते हैं, EDRL भी है इसमें। और साथ में ही फॉग लैम्प भी मिलेंगे आपको। फ्रंट की ग्रिल क्रोम दी गई है। फ्रंट की ग्रिलों पे क्रोम मिलेगा आपको। और 195/55R 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील दिए गए हैं इसमें, जो कि 16 इंचेस के हैं अलॉय व्हील। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 7,50,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस है इसका 8,54,000 न्यू दिल्ली। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है आपको। टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसका। और बात करते हैं लेंथ की, तो 3995 mm की लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1745 mm की इसकी विड्थ है। हाइट की बात करें तो 1500 mm की इसकी हाइट है। और इसमें आपको बात कर लेते हैं आप सस्पेंशनों की। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टड टाइप दिए गए हैं फ्रंट सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन की बात करें तो टोरिजन बीम टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन। और साइड मिरर पर ही टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। और क्रोम के हैंडल दिए गए हैं इसमें, टच बटन दिया गया है इसमें और साथ में ही क्रोम के हैंडल दिए गए हैं। और आपको डोरों के शीशों पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलेगी देखने को। और ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की। और बात कर लेते हैं कलर ऑप्शंस की, तो 7 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। प्रीमियम सिल्वर मेटलिक, पैरलर आर्टिक वाइट, रे ब्लू, ग्रेनाइट ग्रे, ऑटोमन ऑरेंज, नेक्सा ब्लू, फ्रेयरिंग रेड। तो जो आप कलर देख रहे हैं वो आपका प्रीमियम सिल्वर मेटलिक कलर है गाड़ी का, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। 7 कलर ऑप्शंस मैंने बता दिए। हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ आपको इसमें डिफोगर के साथ रियर वाइपर भी दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। और साथ में ही रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है इसमें क्रोम फिनिश के साथ। बलेनो की बैजिंग मिलेगी आपको इसमें। और साथ में ही टेल लैम्प काफ़ी अच्छी शेप है इनकी, टेल लैम्पों की। और साथ में ही आपको एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। रियर बम्परों पर आपको आपको सेंसर भी दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर और साथ में रिफ्लेक्टर, जो काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। और बात कर लेते हैं अब सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको इसमें ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है। सेफ्टी फीचर्स में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिया गया है इसमें। और साथ में ही डे नाइट रियर व्यू मिरर, एयरबैग, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर और EVD यानी इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेफ्टी फीचर्स में चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है इसमें। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की है इसमें। और पेट्रोल में माइलेज की बात करें तो 21 KMPL की माइलेज, डीजल की बात करें तो 27 KMPL की माइलेज डीजल में मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताई दी। आप चलते हैं बैकडोर खोल लेंगे। बूट स्पेस की बात करेंगे तो इसमें आपको पार्सल ट्रे दी गई है, रियर पार्सल ट्रे के साथ आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी दिया गया है। 339 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। लाइट वगैरह दी गई है नाइट में सामान वगैरह रखने के लिए। और साथ में ही स्पेस भी दिया गया है सामान वगैरह टांगने के लिए। और ये आपका स्पेयर व्हील, जो कि आप 80 की स्पीड से इसको ज़्यादा ना भगाएं, मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 दी गई है, क्योंकि ये 1 इंच छोटा टायर है, यानी ये टायर 15 इंचेस का ही है, आप समझिए गए। अब चलेंगे हम रियर डोर के इंटीरियर में। रियर डोर के इंटीरियर में कॉटन फिनिश दी गई है, क्रोम के हैंडल दिए गए हैं इनसाइड, पावर विंडो क्रोम के हैंडल के साथ, काफ़ी अच्छी लुक है इनकी भी। और साथ में ही आपको सिल्वर फिनिश भी मिलेगी देखने को। और साथ में ही आपको बोतल वगैरह रखने का स्पेस भी दिया गया है, साथ में स्पीकर। तो दो ट्रिमों पर आपको स्पीकर वगैरह दिए गए हैं, जो कि चारों डोर ट्रिमों पर मिलेंगे देखने को। ये आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए, कुछ स्पेस भी दिया गया है। और काफ़ी अच्छा लेगरूम है इसका,
स्विफ्ट से भी अच्छा लेगरूम मिलता है आपको बलेनो में। और बात कर लेते हैं सीटों के हेडों की, तो हाइट एडजस्टेबल दी गई है। रियर सीटों के हेड जो हैं आपको हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको ग्रिप असिस्टेंट राइट लेफ्ट में कुछ स्पेस मिल जाएगा टांगने वगैरह के लिए। और साथ में ही आपको रीडिंग लैंप और साथ में ही आपको ये साइड डोर ट्रिम का लुक है, जिसमें क्रोम के हैंडल इनसाइड दिए गए हैं। कॉटन फिनिश, सिल्वर फिनिश मिलेगी देखने को डोर ट्रिमों पे। और साथ में ही बोतल वगैरह रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर। तो ये रियर डोर का इंटीरियर है जो आपने देखा, और इसके फीचर्स भी जान लिए। और जो सीट है आपकी, को ड्राइवर सीट जो दी गई है, उसमें आपको कुछ स्पेस भी मिल जाएगा पेपर वगैरह रखने के लिए पीछे, को ड्राइवर साइड वाली पे। ड्राइवर साइड वाली के पीछे नहीं दिया गया इसमें स्पेस। और फ्रंट के दोनों सीटों के हेडों की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल दी गई इनकी हाइटें, मतलब सीटों के हेड हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं। और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड के एक लुक देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है, और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है जो कि आपको पूरा ब्लैक दिया गया है, सिल्वर फिनिश वगैरह भी मिलेगी देखने को। और अब चलेंगे फ्रंट डोर के इंटीरियर में और बात करेंगे फ्रंट डोर के इंटीरियर की। तो फ्रंट डोर के इंटीरियर में आपको ये फ्रंट डोर का इंटीरियर, जिसमें कि आपको इनसाइड हैंडल क्रोम के दिए गए हैं, और इसमें दो टूटर भी दिए गए हैं फ्रंट के दोनों दरवाज़ों में। फ्रंट के दोनों दरवाजे हैं, उनके साइडों में दो टूटर मिलेंगे आपको इसमें, और क्रोम के हैंडल दिए गए हैं इसमें। कॉटन फिनिश मिलेगी देखने को, और साथ में ही आपको चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, जिसमें कि लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को आप लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दिए गए हैं साइड मिरर इसमें। सिल्वर फिनिश मिलेगी देखने को, और साथ में ही बोतल वगैरह रखने का स्पेस, मैप पॉकेट का स्पेस, साथ में स्पीकर। और बात कर लेते हैं अब ड्राइवर सीट की, तो ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल और फोल्डेबल, यानी दोनों फीचर्स ही आपको इसमें मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टेबल फोल्डेबल। और साथ में आपको राइट साइड में एसी वेंट्स जो काफ़ी अच्छी लुक है इनकी, और साथ में ही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ। हेडलाइट डाइविंग के स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, और पार्किंग सेंसर के स्विचेस वगैरह भी इसमें दिए गए हैं आपको। और साथ में कुछ स्पेस मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, स्टीयरिंग व्हील में आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे ही, देख रहे हैं आप ऑडियो कंट्रोल्स, म्यूट वगैरह कर सकते हैं, मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में दिया गया है ताकि ड्राइवर आसानी से ड्राइव कर सके। और लेदर की ग्रिपिंग वगैरह दी गई है क्रोम फिनिश के साथ, और इसमें आपको पूरा लेदर की ग्रिपिंग मिलेगी स्टीयरिंग में। SRS एयरबैग, S का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, और साथ में ही आपको टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है। तो इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स मिल जाते हैं फुल्ली लोडेड, ये टिल्ट और ये टेलीस्कोपिक। देखिए टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी, दोनों में दिखा दिया आपको इसमें, दोनों फीचर देख लिया आपने। और इसमें आप वॉइस कमांड वगैरह भी दे सकते हैं, और फ़ोन को उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने का भी स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, और काफ़ी अच्छी सहूलियत होगी ड्राइव करते टाइम ड्राइवर को। अच्छे फीचर्स दिए गए इसमें, और इसमें आपको राइट साइड में ऑटो हेडलैम्प दिए गए हैं, हेडलैम्प जो आपको ऑटो दिए गए हैं इसमें, यानी रात में, रात होते ही हेडलैम्प ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, ऑटो मोड पर रखते हैं तो। लेफ्ट में आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं MID की, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको 220 की स्पीड वगैरह दी गई है, और साथ में ही ये आपको टेम्परेचर वगैरह बताएगा, किलोमीटर बताएगा, क्लॉक बताएगा, और टॉर्क वगैरह भी शो करता है इसमें। तो अच्छा MID दी गई है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसमें डिजिटल दी गई है देख रहे हैं आप, और साथ में ही आपको RPM
मीटर भी दिया गया है, हीट कोल्ड कंडीशन भी इसमें शो हो जाती है, हीट कोल्ड कंडीशन भी शो करेगा ये कुछ वार्निंग लाइटों के साथ। अच्छी खासी MID है इसकी। और बात कर ले इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 7 इंचेस का एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले वगैरह इसमें प्ले कर सकते हैं। और इसमें आपको क्रोम फिनिश साइडों में मिलेगी देखने को, देखिए ब्लैक पियानो फिनिश भी दी गई है और सिल्वर फिनिश भी मिलेगी साइडों में आपके, आपको वेंट्सों के साइडों में सिल्वर फिनिश वगैरह भी दी गई है। और इसमें आपको टच स्क्रीन दिया गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा टच पे दिया गया है। और इसमें आप रेडियो वगैरह FM वगैरह प्ले कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर वगैरह देख रहे हैं आप, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, USB, iPod, SD कार्ड। तो अच्छे खासे फीचर्स दिए गए इसमें फुल्ली लोडेड, जो एक इंफोटेनमेंट सिस्टम में होने चाहिए। वॉल्यूम वगैरह कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन पूरा काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें, सेटिंग के बटन वगैरह। और ये आपको 1000 के स्विचेस वगैरह दिए गए हैं और साथ में ही सिल्वर फिनिश मिलेगी देखने को। ऑटो AC दिया गया है इसमें, AC आपको ऑटो दिया गया है इसमें। तो इसके डेल्टा मॉडल से ही आपको ऑटो AC मिलेगा, डेल्टा मॉडल लेते हैं जब भी आपको ऑटो AC मिलता है इसमें। और साथ में ही चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है कंसोल पे, और साथ में ही आपको USB ऑक्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं कंसोल के सामने। और ये आपको 2 कप होल्डर वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है, कप होल्डर वगैरह रखने की स्पेस वगैरह मिल जाएगा इसमें। और साथ में ही आपको कंसोल पे ही, और साथ में ही आपको स्मार्ट की कुछ ऐसे मिलेगी, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें, लॉक अनलॉक कर सकते हैं तो अच्छी खासी। और 5W 1 रिवर्स के साथ ब्लैक पियानो फिनिश के साथ गियर लीवर, ये आपका हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। साइडों में सिल्वर फिनिश मिलेगी कंसोल पे देखने को, कंसोल पे। और साथ में ही आपको AC वेंट्स, को ड्राइवर साइड SRS एयरबैग वगैरह दिया गया इसमें। और साथ में ही को ड्राइवर साइड क्रोम के हैंडल, गोल्डन फिनिश, सिल्वर फिनिश वगैरह मिलेगी देखने को आपको इसमें। और बोतल वगैरह रखने का स्पेस, साथ में स्पीकर, और साथ में ही ग्लोव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो अच्छा खासा स्पेस है इसका भी। और फ्रंट में आपको सनवाइज़र, और जो कि आपको लाइटें भी दी गई इसमें सनवाइज़र में, वैनिटी मिरर के साथ लाइटें भी दी गई हैं। और इसमें आपको डुअल पार्टीशन में रीडिंग लैंप, और ये आपको डे नाइट दिया गया है, IRVM, को ड्राइवर साइड सनवाइज़र जो है वैनिटी मिरर के साथ दिया गया है, साथ में लाइटें भी दी गई हैं इसमें, देखने में काफ़ी अच्छी लुक है इनकी, अपना फेस वगैरह देख सकते हैं। चलेंगे अब इंजन रूम में, बात करेंगे इंजन CC की, तो 1197 CC का इंजन दिया गया है इसमें, पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर। और इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम इंजन रूम में देखने को मिलेगा, बैटरी और फ्यूज बॉक्स। और बात कर लेते हैं अब पावर की, तो 83 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। और अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 115 Nm की टॉर्क मिलेगी 4000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू बलेनो अल्फा मॉडल का। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो सीट बेल्ट पहनी है, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।